हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर था वो चैप्टर चला था वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता या विशिष्ट चालकत्व, तो चालकत्व के बारे में जो पिछला वीडियो था जिसमें अपने डिटेल कर दिया था चालकत्व क्या होता है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है अपना चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है चालकत्व, यानी सी बराबर 1/R, ये अपना कल आ गया था। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, तो जब ने जो चालक पढ़े थे एक तो था अपना धातु चालक और एक था अपना वैद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक होते हैं उनका संघटन अपना होता है स्थिर। धात्विक चालकों का संघटन कैसा होता है, स्थिर होता है। जबकि जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनमें पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक हैं उनमें दोनों में अंतर किया था अपन ने, तब वहां पर क्या था जो धात्विक चालक होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो धात्विक चालक है इनके संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनमें पदार्थ में परिवर्तन होने की वजह से इनके संघटन में परिवर्तन हो जाता है। अतः इनके संघटन में परिवर्तन हो जाने की वजह से इनके चालकत्व के स्थान पर इनका मापा जाता है विशिष्ट चालकत्व। यानी चालकत्व के स्थान पर क्या महत्वपूर्ण होता है इनका विशिष्ट चालकत्व या मोलर चालकता। या तुल्यांकी चालकता। यानी इसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता अधिक महत्वपूर्ण। अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो जो विद्युत अपघटनी चालक होती है उनके अपन विशिष्ट चालकत्व या चालकता या तुल्यांक चालकता, मूलर चालकता अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनमें आज का अपना रहेगा विशिष्ट चालकत्व, उसके बाद आएगा अपनी मूलर चालकता, उसके बाद आएगी अपनी तुल्यांक चालकता। ठीक, तो अब सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। तो इस प्रकार जो अपने विशिष्ट चालकत्व होता है तो विशिष्ट चालकत्व वैद्युत अपघटनी विलयनों में का अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने को बताएं किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो R समानुपाती L। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती व उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी L बराबर चालक की लंबाई, A बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक, यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं R समानुपाती L अपॉन A, R समानुपाती L अपॉन A, या R बराबर रो L अपॉन A, यहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है, या रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या रो है
एक क्या है समानुपाती स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, यदि एल बराबर एक सेमी, यानी चालक की लंबाई क्या ले ली एक सेमी, व ए बराबर एक वर्ग सेमी हो तो, यानी ए बराबर एक वर्ग सेमी हो तो आर बराबर रो, आर बराबर क्या हो जाएगा रो, यानी उसका प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हुई, एक सेमी लंबे व एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एक सेमी लंबे व एक सेमी वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। एक सेमी लंबे व एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को प्रदर्शित किया जाता है कप्पा से, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है कप्पा से। तो क्या हो जाएगा कप्पा बराबर वन अपॉन रो, कप्पा बराबर वन अपॉन रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है अपना विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। तो कप्पा बराबर वन अपॉन रो। ठीक, हम जानते हैं अपना आया था आर बराबर रो, रो एल अपॉन ए। ठीक, अपने क्या निकालना है विशिष्ट यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो जाएगा आर आर ए अपॉन एल, ये ऊपर चला जाएगा एल का जाएगा नीचे, या रो का व्युत्क्रम करें तो वन अपॉन रो, आर का व्युत्क्रम वन अपॉन आर, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, एल अपॉन ए वन अपॉन रो, वन अपॉन रो की जगह क्या लिख सकते अपन कप्पा, तो कप्पा वन अपॉन रो की जगह क्या लिख रहे अपन कप्पा, वन अपॉन आर, वन अपॉन आर क्या कहलाता है चालकत्व, वन अपॉन आर कल वाली वीडियो में क्या था अपना सी बराबर वन अपॉन आर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सी एल अपॉन ए, कप्पा बराबर सी एल अपॉन ए। यदि एल बराबर एक सेमी व ए बराबर एक वर्ग सेमी हो तो, एक वर्ग सेमी हो तो कप्पा बराबर सी, कप्पा बराबर सी, यानी एक सेमी लंबे व एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एक सेमी लंबे व एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का चालकत्व ही उसका क्या कहलाती है चालकता, उसका चालकत्व उसकी क्या कहलाती है चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो ये तो अपना चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।